वेलकम बैक। पार्ट टू में लेकर मैं आया हूँ, ठीक है ना। पहला पार्ट में हम लोग ने देखा कि क्या क्या पढ़ना है, टेंजेंट सब नॉर्मल, नॉर्मल क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग टेंजेंट, नॉर्मल और सब टेंजेंट सबका लेंथ जानने के लिए कोशिश करेंगे, जानने का कोशिश करेंगे। देखिए, ये अगर थीटा है तो स्लोप क्या होगा, एम इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। यही डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है ना। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा अगर ये 90 डिग्री बन रहा है ना, देखिए ये 90 डिग्री हो रहा है। इन ट्रायंगल किस में, इन ट्रायंगल पी टी जी, इन ट्रायंगल पी टी जी में क्या बन रहा है, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि पी जी अपॉन टी जी। पी जी क्या है, वाई है, टी जी अपने को नहीं मालूम, टेन थीटा मालूम है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई अपॉन टी जी, ठीक है ना। तो यहाँ से टी जी को उधर कर देंगे ऊपर, तो टी जी इक्वल टू क्या होगा, वाई अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, देखिए। और यही टी जी क्या है, यही टी जी क्या है, टी जी सब टेंजेंट, यानी कि ये सब टेंजेंट का लेंथ हो गया, टेंजेंट का लेंथ हो गया। तो सेप टेंजेंट का फॉर्मूला क्या अपने पास बन गया, टी जी इक्वल टू वाई अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। वाई क्या है, लेंथ है, वो क्या है, दिया हुआ रहेगा किसी भी क्वेश्चन में, वो चीज़ दिया हुआ, मेंशन किया हुआ रहता है, इसके लिए ज़्यादा अपने को लोड नहीं लेना है, ठीक है ना। दूसरा चीज़ अपने पास क्या है, दूसरा क्या है कि भाई सब टेंजेंट निकल गया, सर टेंजेंट ही नहीं, टेंजेंट का लेंथ नहीं निकला। तो टेंजेंट का लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट को देखेंगे, ये फिगर को देखेंगे। देखिए टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट इक्वल टू पी टी, ठीक है ना। तो पी टी है, तो पी टी का लेंथ क्या होगा, ये क्या है, हाइपोटेनियस है ना। तो हाइपोटेनियस क्या होता है, हाइपोटेनियस क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि पी टी स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पी जी का स्क्वायर प्लस टी जी का स्क्वायर, टी जी का स्क्वायर। देख लीजिए, हम यहाँ पर एक शॉर्ट फिगर बना देते हैं, जी पी, ये वाई हो गया और ये इसका वैल्यू क्या निकल गया, वाई अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। तो पी टी का स्क्वायर इक्वल टू पी जी क्या है, पी जी, पी जी ये है, तो ये वाई स्क्वायर प्लस टी जी क्या है, टी जी ये है, यानी कि वाई अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो पी टी स्क्वायर क्या होगा, पी टी क्या होगा, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन लेकर बाहर कर देंगे, तो ये क्या बच जाएगा, वाई इंटू वन प्लस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। देखिए कहीं पर ये फॉर्मूला लिखा हुआ रहता है, कहीं पर यही टेंजेंट का, जो टेंजेंट का लेंथ है, लेंथ लेंथ वो क्या लिखा हुआ रहता है आपका, पी टी, ये क्या लिखा हुआ था, वाई अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इंटू वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये दोनों एक ही फॉर्मूला है, ये दोनों एक ही फॉर्मूला, कन्फ्यूज नहीं होना। अगर इस चीज़ को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर स्क्वायर में जाएगा, तो वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, आएगा ये वाला चीज़ आएगा, ठीक है ना। तो दोनों फॉर्मूला एक ही है, सिर्फ कन्फ्यूजन के लिए दो हो जाता है, इसलिए आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। आप लोग को मालूम चल गया कि भाई दोनों क्या है, दोनों सेम फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब अपने पास टेंजेंट का लेंथ आ गया, सब टेंजेंट का आ गया। अब नॉर्मल, देखिए नॉर्मल के लिए फिर से दोबारा से हम ये ग्राफ आते हैं, ये दोबारा से ये ग्राफ आते हैं। तो ग्राफ में क्या है, ये है, तो अपन पहले एक बार बना लेते हैं, बार बार पेज पलट के देखने से अच्छा है कि एक बार इसको बनाते हैं। तो एन टी पी, ये वाई, ये क्या है, 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, ये वाई। तो देखिए, तो टेन 90 माइनस थीटा, यही स्लोप है, ये क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, बरोबर है, डी वाई बाई डी एक्स,
डी वाई बाई डी एक्स है, तो अब इसमें क्या करेंगे, टेन थीटा बेस अपॉन टी एन, ठीक है ना। तो टी एन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो टी एन इक्वल टू वाई अपॉन, इस चीज़ को हटाते हैं, इस चीज़ को हम हटा देते हैं, टेन 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा डिवाइड बाई डी एक्स नहीं है, तो टी एन इक्वल टू वन अपॉन टेन 90 माइनस थीटा क्या होता, कॉट थीटा, यही कॉट थीटा क्या होता, वाई इंटू टेन थीटा, ठीक है ना। तो ये अब क्या हो गया, टी एन ही अपना क्या था, टी एन ही अपना क्या था, टी एन कहाँ गया, जी एन, सॉरी जी एन, जी है, जी है, ये जी है, ये जी एन ही अपना क्या हो गया आपका, सब नॉर्मल, सब नॉर्मल, बराबर। अब आते हैं, सब नॉर्मल तो निकल गया, अब नॉर्मल क्या होगा, तो नॉर्मल के लिए फिर वही फॉर्मूला, ये अपना क्या हो गया, वाई इंटू टेन थीटा, ठीक है, तो वाई इंटू टेन थीटा, तो सब नॉर्मल पी एन का होल स्क्वायर इक्वल टू पी एन का होल स्क्वायर वही परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी पी जी का होल स्क्वायर प्लस जी एन का होल स्क्वायर, तो पी जी क्या है, वाई स्क्वायर, जी एन क्या हुआ, वाई टेन थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ से वाई कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा पी एन, पी एन का होल स्क्वायर। अब ये वाई इंटू टेन थीटा की जगह पर अपन डिवाइड बाई डी एक्स पुट कर देंगे, फिर टेन थीटा ही डिवाइड बाई डी एक्स होता है, तो ये हो गया अपना नॉर्मल, नॉर्मल का ये, सब नॉर्मल ये फॉर्मूला, टेंजेंट ये, और सब टेंजेंट का फॉर्मूला अपने पास ये इम्पोर्टेंट था, इसे जेड वली में क्वेश्चन आ चुका है, सी ई टी एन डी ए में इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे सकता है, इसलिए इसको आप अच्छे से कर लें।